असम की हेमंत बिस्वा सरकार को यूपी के सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल काफी महंगा पड़ गया। बुलडोजर एक्शन की वजह से हेमंत बिस्वा सरकार को लाखों रुपए देने पड़ गए। दरअसल असम सरकार ने उन 5 परिवारों को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, जिन परिवारों पर एक थाना जलाने का आरोप था। बता दें, पुलिस स्टेशन को जलाने में कथित भूमिका की वजह से 2 साल पहले अफसरों ने नागांव में उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया था, मगर अब अदालत के आदेश के बाद सरकार को इस कार्रवाई के लिए मुआवजा देना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला 21 मई 2022 से शुरू हुआ, जब असम के नागांव जिले के बत्ताद्रोबा थाने में सफीकुल इस्लाम नाम के एक मछली व्यापारी की मौत हो गई थी। इसके बाद नागांव जिले के सलोनाबारी गांव में कुछ लोगों की भीड़ ने बत्ताद्रोबा पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना के अगले ही दिन असम सरकार का बुलडोजर एक्शन लेते हुए अधिकारियों ने कथित तौर पर आगजनी की घटना में शामिल 5 परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया था। बता दें, पुलिस ने उन घरों को अवैध मानते हुए बुलडोजर एक्शन लिया था। उस वक्त पुलिस का कहना था कि ध्वस्त किए गए घर उन लोगों के थे जो अवैध रूप से फर्जी दस्तावेजों के साथ वहां बसे थे। इस घटना के 2 साल बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बुलडोजर की कार्रवाई को अवैध बताया था। इसी के साथ पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया था। इस मामले में उस वक्त की चीफ जस्टिस आरएम छाया की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था, हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार अवैध कार्रवाई से प्रभावित लोगों को मुआवजा देगी। मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को कड़ी फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस जांच की आड़ में बिना अनुमति के किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकती। मामले में अदालत की ओर से आश्चर्य जताया गया था कि कल अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मेरा कोर्टरूम तक खोद देंगे। मामले में जस्टिस छाया ने घरों पर बुलडोजर चलाने को गैंगवार की कार्रवाई के बराबर बताया था और गृह विभाग से अपनी जांच करने के लिए बेहतर तरीका खोजने के लिए कहा था। इस मामले में अब तक 4 परिवारों को मुआवजा मिल चुका है, जबकि मृतक सैफीकुल इस्लाम के परिवार का मुआवजा फिलहाल बाकी है। इस मामले में सीनियर सरकारी वकील डीनाथ ने चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की डिवीजन वाली बेंच को ये बताया है कि सफीकुल इस्लाम का परिवार अब तक वारिस होने का सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाया है। जैसे ही वे सर्टिफिकेट जमा करेंगे, अधिकारी मुआवजे की राशि जारी कर देंगे। बता दें, इस मामले में सरकार ने 2 पक्की घरों के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि और इसके अलावा 5 कच्चे आवास इकाइयों के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया है। मुआवजा पाने वालों में इनामुल हक, हिफ्जुर रहमान, मुजीबुर रहमान, रफीकुल इस्लाम, अक्कास अली और मृतक सफीकुल इस्लाम के कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हैं।